फैसल अंसारी और आप देख रहे हैं यूपी लाइव 100 न्यूज। शुरुआत करते हैं इस वक्त की छोटी बड़ी खबरों से। आज रात फिर चोरों ने राजकुमार हरिराम यादव के यहाँ हाथ साफ कर दिया। मामला है उत्तर प्रदेश के जनपद श्रावस्ती के। आज रात 12 बजे चोरों ने राजकुमार अहरन पुरवा मिर्जापुर श्रावस्ती, चोरों ने रात में राजकुमार यहाँ सेंध लगाकर घर का सारा सामान हाथ साफ कर दिया, जिसमें कम से कम 5-6 लाख नकदी व जेवर ले उड़े। घर में सब लोग सोते रहे। सुबह जब सोकर उठे तो घर का सारा सामान बिखरा हुआ था। देखकर सब के होश उड़ गए। तुरंत थाना मल्लीपुर के में रिपोर्ट दर्ज करवाई। तुरंत ही मौके पर पहुंचे पुलिस कार्रवाई शुरू की। न्यूज लिखे जाने तक कोई मुजरिम हाथ नहीं लगा। बुजुर्ग की स्पेशल रिपोर्ट। हाँ दोस्तों, नमस्कार आदाब। आप देख रहे हैं यूपी लाइव 100 न्यूज। मैं चल के अहरनपुरवा मौजा पटपरगंज में आया हूँ और ये भुइहारे के गांव घर में कुछ चोरी हुआ है। जो मौके पर प्रशासन भी यहाँ आई थी, मल्लीपुर के एसओ साहब भी आए थे और प्रशासन 100 नंबर भी आई थी। मैं इनसे बयान लेता हूँ कि मतलब आपके क्या क्या चोरी हुई है। क्या नाम है आपका? राजकुमार यादव। राजकुमार यादव जी, क्या हुआ है आपके साथ? हमारे घर चोरी हुई है सर, 4 लाख रुपए नकदी और 1 लाख का जेवरात। अच्छा, ये घटना किस टाइम हुआ है? घटना हुई है रात्रि को 12 और 2:30 बजे के बीच। 12 और 2:30 के बीच में हुआ है। मतलब आप सूचना किसको दिए? सूचना हम पहले 112 पे फोन किया, तब दो होमगार्ड आए, उसके बाद में उन्होंने फोन किया, तब और पुलिस आई और यशु साहब आए मल्लीपुर। अच्छा, बाद में सुबह मल्लीपुर आए थाने के जो यशु साहब है वो सुबह आए। फिर यशु साहब ने क्या बताया आपको? 12 से 2 बजे हुआ है। यशु साहब क्या बताए? यशु साहब ने आश्वासन दिया कि कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, बाकी जांच भी किए, लिख के गए। जांच भी किए, लिख के। आपका क्या नाम है भाई साहब? रामदीन यादव। क्या कहना चाहते हैं आप भुइहारे के यहाँ? कहना चाहते हैं इनके यहाँ चोरी है आज रात 30/9/20 को जी, करीब वही 12 से 2 बजे के बीच जी, लगभग 2:30 बजे जी को जानकारी हुआ कि चोरी हो गई है। मतलब रात को 2:30 बजे जब लेटरिन के लिए, एक औरत जो है उसका पेट जो थोड़ा ख़राब था जी, तो जा रही थी लेटरिन में, तब उसने देखा, तो उसने बताया, हल्ला किया, तब हम लोग जान पाए, तब आए तो यहाँ देखा कि नकब लगी है और जत्ता सामान है सब निकाल के बगिया। मतलब इनका कितना, आपके अनुभव से कितना माल चोरी हुआ है इनका? 4 लाख इनका नकद था और 1 लाख लगभग, 1 लाख का जो है जेवर। अच्छा, जो जेवर गायब हुआ वो जेवर किसका गायब हुआ है? जेवर गायब हुआ बड़ी पतो का, राजकुमार के अम्मा का और इनकी औरत का और इनकी बहन का। अच्छा, जिसका जेवर गायब हुआ है उनको सामने बुलाएंगे आप? बुलाइए। क्या नाम है आपका? मालती देवी। मालती देवी, क्या गायब हुआ आपका? जेवर गायब हो गया, 4 लाख रुपया गायब हो गया। सब कुछ रहा तो सब सारे। मतलब जेवर में किस किस चीज था, क्या क्या था? जेवर में रहा करधन, रहा पायजेब, रहा नथुनी, रहा माला, रहा सोने का झुमकी, रहा बाला, रहा अच्छा माला, रहा गुल्ली, रही सोने का। तो घटना जब रात में 12 से लेकर और 2 के बीच में जब हुआ तो आप लोगों को पता नहीं चला? पता साहब हैरान रहेगा, नहीं जान पाओ, रोज आज जान नहीं पा, सो गए, जब लड़का रोए लग उठेगा तब जान पाओ। मतलब इस घटने में किसी का हाथ या किसी पर आपको शक है? हम बाहर लेटे रहे, यहाँ शक नहीं जान पाओगे। अच्छा, मतलब किसी पर आपको शक है कि मतलब फला आदमी हो सकता है या कोई हो सकता है? आप पर शक है किसी पर? अब किसी पे साहब, अब कोई घर को रहा हुई, कोई। अच्छा अच्छा, मतलब शक किसी पर नहीं है। हाँ, तो फिर ऐसे बिने में आप कैसे कह सकते हैं कि कोई गांव वाला था? गांव वाला था, जैसे हमारे उनके मने हमारे का मारी हाँ नहीं चल रहा है। अच्छा, गांव में चल रहा है। अच्छा अच्छा, तो ऐसे जैसे कोई गांव का आवा नहीं तो ये कैसे काम हुआ? वही बात है। अब चुप रहा। क्या नाम है आपका? राम फेरन। हाँ राम फेरन जी, क्या कहना चाहते हैं? चाहते हैं कि सर हमारे घर में चोरी हो गई। जी, कई बजे हुआ? हमारी वही 12 बजे के बीच में। अच्छा, 12 के बीच में हुआ। मतलब आपको कोई शक है? हाँ शक है। किस पर शक है? शक है हमारे गांव में जो है एक तालवा लाला खुदाई से हम लोग जाते हैं और है पौने 12 या 11 टाइम है जो है वो आदमी जो है इधर के हमारे गांव के। अच्छा, जब हमारा घर थोड़ा नाम चुके जी तब वो ठट्ठा मार के हंसे। अच्छा, इसलिए हमको शक है। अच्छा शक है। बाकी जो रात आपके कितने गायब हुए? जेवर जो है हाँ। अब जेवर का रुपया 4 लाख रहे तो नहीं बता। अच्छा, 4 लाख केस था आपके पास? हाँ। बाकी जेवर था? हाँ। जेवर कितने का था? जेवर 1 लाख। 1 लाख का जेवर था। हाँ। ठीक है। और डायल 112 भी आई। हाँ, 112। उन लोगों ने लिख पढ़ के चले गए। ठीक है। हाँ। ठीक है।
आप देख रहे हैं यूपी लाइव 100 न्यूज, बने रहिए हमारे न्यूज पर, यूपी लाइव 100 पर।